असलकुम वेलकम टू लीगल टॉक्स हाउ आर यू यूवर्स आई होप यू आर फाइन आज हम जिस टॉपिक में बात करने जा रहे हैं वो डिफरेंस बिटवीन रिव्यू एंड रिविजन अंडर सिविल प्रोसीजर कोड और इस रिविजन और रिव्यू को हम देखेंगे कि रिव्यू के क्या ग्राउंडस हैं और क्या सेक्शन है क्या ऑर्डर है इसी तरह रिविजन को देखेंगे कि रिविजन में क्या कंडीशन हैं और क्या सेक्शन है फिर डिफरेंस बिटवीन रिव्यू एंड रिविजन करेंगे अगर आपको इस टॉपिक के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा रिव्यू रिव्यू का बेसिकली अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो इसका लिटरल मीनिंग है टू रिव्यू मीन्स टू लुक बैक ओवर समथिंग। सो इसका मतलब है कि दोबारा कोई भी चीज़ जो आप डन कर चुकी हैं उसे आप रिव्यू करना सेक्शन 114, ऑर्डर फोर्टी सेवन डील करता है रिव्यू के साथ एनी कोर्ट विच पास द डिग्री और मेड ऑर्डर कैन रिव्यू द केस यानी कि जो भी कोर्ट डिग्री ऑर्डर और जजमेंट पास कर चुकी है वही कोर्ट जिसने डिग्री ऑर्डर जजमेंट पास किया है वो दोबारा से अपने ही डिसीजन को रिव्यू कर सकती है द रिव्यू कैन मेड ओनली ऑन एन एप्लीकेशन बाई एन अग्रीव्ड पार्टी यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ एग्रीव्ड पार्टी की एप्लीकेशन पर ही जो है वो रिव्यू होगा सो मोटो एक्शन जो है वो कोर्ट नहीं ले सकती तो ऑर्डर ग्रांटेड द रिव्यू इज़ अपीलेबल यानी कि जो भी ऑर्डर रिव्यू में ग्रांट होगा वो अपीलेबल ऑर्डर होगा द रिव्यू कैन मेड इवन वेन एन अपील लाइज टू द हाई कोर्ट इवन हो जब अगर अपील जो है वो हाई कोर्ट में लाए है यानी कि हाई कोर्ट में अपील जो है वो फाइल कर चुकी है इस सूरत में भी आप रिव्यू की एप्लीकेशन दे सकते हैं उस कोर्ट में जिसने ऑर्डर जजमेंट और, और डिग्री पास किया है क्योंकि रिव्यू आपने करना है कोर्ट के पास जजमेंट पास करने के बाद कोई भी इख्तियार नहीं होता कि वो अपने डिसीजन को जो है वो चेंज कर सके लेकिन रिव्यू एक ऐसा रास्ता है अगर अगरीब पार्टी समझती है कि वो डिसीजन जो है वो गलत हुआ है या उसमें कोई आ, फेस ऑफिट कोई एरर है तो वो रिव्यू की एप्लीकेशन दे सकती है अब ये नहीं है कि हर कोई रिव्यू की एप्लीकेशन दे सकता है इसके लिए ऑर्डर 47 में हमें कुछ ग्राउंड्स बताए गए हैं वो ग्राउंड्स को हम देख लेते हैं कि वो कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनकी बेसिस पे हम रिव्यू की एप्लीकेशन दे सकते हैं क्योंकि इसमें स्व मोटो एक्शन हो नहीं सकता एग्रीव पार्टी के एप्लीकेशन पे और अगर वो इन ग्राउंड्स पे पूरा उतरती है उनमें से कोई एक ग्राउंड भी है और कोर्ट को सेटिस्फाई करती है तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी रिव्यू की अदरवाइज रिव्यू की एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी और आप रिव्यू की एप्लीकेशन नहीं दे सकते अब वो कौन से ग्राउंड है डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इम्पॉर्टेंट मैटर और एविडेंस यानी कि कोई एक इम्पॉर्टेंट मैटर है जिसके बेस पे डिक्री या ऑर्डर या जजमेंट पास हुई है और उस मैटर पे एक न्यू एविडेंस आ गया है अब वो एविडेंस आने की बेसिस पे जो भी डिसीजन प्रीवियसली हुआ है वो डिसीजन चेंज होगा तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप रिव्यू की एप्लीकेशन दे सकते हैं सेम कोर्ट में जिस कोर्ट ने उस डिग्री जजमेंट या ऑर्डर को पास किया है अब मिसस्टेप और एरर अपीयरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड यानी कि कोई भी डिग्री जजमेंट ऑर्डर में कोई मिस्टेक हो गई है उस मिस्टेक को क्लियर करने के लिए या फिर कोई जजमेंट डिग्री ऑर्डर क्लियर नहीं है तो उसके लिए भी आप रिव्यू एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं एग्रीव्ड पार्टी एनी अदर सुफिशियन रीज़न यानी आपके कोर्ट को सेटिस्फाई करना है कोई भी और रीज़न हो सकती है रिव्यू की आपने बस कोर्ट को सेटिस्फाई करना है कि इसे एक बार रिव्यू किया जाए क्योंकि अदरवाइज जो है बहुत नुकसान हो सकता है एग्रीव पार्टी को अब हम देखते हैं रिवीजन को रिवीजन का मतलब है द एक्ट ऑफ रिवाइजिंग यानी कि किसी भी चीज़ को रिवाइज करना एक डिसीजन हो चुका है उस डिसीजन को रिवाइज करना अब सेक्शन 115 फिफ्टीन डील्स विद द रिवीजन

पर ही जो है वो कोर्ट देख रही थी लेकिन रिवीजन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है सो मोटो एक्शन भी हाई कोर्ट ले सकती है सब ऑर्डिनेट कोर्ट के डिसीजन के पर के ये डिसीजन सही है कि नहीं बेसिकली एक तरह से लॉयर जुडिश्री और हायर जुडिशरी में चेक एंड बैलेंस सिस्टम है रिविजन के जरिए कि आप रिव्यू यानी कि रिवीजन कर सकते हैं रिवाइज़ कर सकते हैं किसी भी डिशीजन को जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट ने पास किया है एन ऑर्डर पास्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ रिविजनल जोरिस्टिक्शन इज नॉट अपीलेबल यानी कि जो रिव्यू में ऑर्डर था वो अपीलेबल था यहाँ पे रिविजन में अपीलेबल ऑर्डर नहीं है और रिविजन पावर कैन बी भी एक्सरसाइज बाय द हाई कोर्ट ओनली इन अ केस वेयर नो अपील लाइज टू द हाई कोर्ट यानी कि रिवीजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ तभी आप उसके एप्लीकेशन दे सकते हैं जब उस ऑर्डर डिग्री या जजमेंट जो भी लॉयर कोर्ट ने पास की है उसके अगेंस्ट जो है वो अपील लाई नहीं करती हाई कोर्ट में अगर अपील लाई करती इसका मतलब है आपके पास एक अदर रेमेडी है आप अपील में जाएंगे अगर आपके पास अपील की रेमेडी नहीं मौजूद तो फिर आप रिवीजन में जाएंगे अब क्या कंडीशंस हैं जिसकी बेसिस पे आप रिविजन एप्लीकेशन दे सकते हैं अ केस मस्ट बी डिसाइडेड यानी केस डिसाइड हो चुका हो आ, उस पर जजमेंट डिग्री ऑर्डर आ चुका हो द कोर्ट हैज बिन डिसाइडेड द केस मस्ट बी कोर्ट सब ऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट यानी हाई कोर्ट से हमेशा छोटी अदालत हो सब ऑर्डिनेट कोर्ट होगी तभी हाई कोर्ट के पास पावर है रिविजन की द ऑर्डर शुड नॉट बी एन अपीलेबल वन यानी कि अदर रेमिडी अपील की अवेलेबल ना हो तभी रिवीजन जो है वो कर सकते हैं अब ऐसी क्या सिचुएशंस हो सकती हैं रिवीजन क्यों करने की ज़रूरत है यानी द सब ऑर्डिनेट कोर्ट मस्ट हैव है नॉट वेस्टेड इन एट बाई लॉ यानी उसके पास एक एस, उसने ऐसी एक्सरसाइज कर ली है जो उसके पास बाय लॉ थी ही नहीं यानी उसके पास वो जो रिस्ट्रिक्शन नहीं थी और उसने उसे यूज़ किया जिसकी वजह से ग्रीफ पार्टी को नुकसान हुआ उस जजमेंट ऑर्डर डिग्री पास होने से इस वजह से रिवीन एप्लीकेशन जो है वो हाई कोर्ट में फाइल की या फिर एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें लॉयर कोर्ट यानी सब ऑर्डिनेट कोर्स जो हैं वो फेल हो गई हैं एक्सरसाइज करने में वेस्टेड पावर जो उसमें वेस्ट थी पावर वो उसने फेल हो गया उसे एक्सरसाइज करने में और तब भी ग्रीफ पार्टी को नुकसान हुआ और उसने रिवीन की एप्लीकेशन फाइल कर दिया और थर्ड सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि उसने वो पावर्स को तो यूज़ किया जो उसके पास थी लेकिन कोर्ट ने इलीगली यूज़ किया और मटेरियल इरेगुलरिटी आई और इन द फेस ऑफ इट कोई एरर आया जिसकी वजह से आप रिवन एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर रहे हैं हम डिफरेंस को देख लेते हैं कि रिव्यू और रिवीजन के क्या इन दोनों में डिफरेंस है रिव्यू मीन्स टू रिकन्सिडर टू लुक अगेन और टू री एग्जामिन इन लीगल सेंस इट इज जुडिशनल री एग्जामिनेशन ऑफ द केस बाय द सेम कोर्ट बाय द सेम जज यानी कि सेम जज करेगा सेम कोर्ट करेगी अपना ही डिसीजन है उसे रिव्यू कर रही है कुछ ग्राउंड्स पे जिन ग्राउंड्स को मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और ये सो मोटो एक्शन नहीं ले रही है कोर्ट ये कोर्ट अग्रीव पार्टी के एप्लीकेशन पे अपने डिसीजन को रिव्यू कर रही है अब रिवीजन में इस तरह नहीं है रिवीजन मीन्स द हाई कोर्ट इज़ रिवाइजिंग द जजमेंट ऑफ एनी केस डिसाइडेड बाई ए सबॉर्डिनेट कोर्ट इन सर्टन सरकमस्टांसिस यानी वो सरकमस्टांसिस वो कंडीशन भी मैंने आपको बता दी कि कौन सी कंडीशन हैं जिन पे अगर वो ऐसी कंडीशनस हों ऐसी सिचुएशन आ जाए तो रिवीजन एप्लीकेशन दी जा सकती है, और हाई कोर्ट अपने तौर पे सो मोटो एक्शन भी ले सकती है सब ऑर्डिनेट कोर्ट के डिसीजन जजमेंट और ऑर्डर डिग्री को रिवाइज कर सकती है ये था इन दोनों का डिफरेंस अगर आप उम्मीद है कि आपको ये क्लास क्लियर हो गई होगी अगर आपको क्लियर हो गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा और अब तक के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ अल्लाह हाफ़िज़